अभी एक मैं क्विक वीडियो कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे एक्सटेंशन को अपलोड करना पड़ता है, ताकि आप वो ओल्ड वाला वर्जन का जो भी एक्सटेंशन है वो यूज़ करके मोबाइल बुकिंग कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम चले जाते हैं क्यूवी ब्राउज़र पे। देखो क्यूवी ब्राउज़र आ गया, उसके बाद नॉर्मल से इधर देखो, इधर एक्सटेंशन का एक ऑप्शन है, ठीक है। एक्सटेंशन पे क्लिक करो, करने के बाद क्या होगा, इधर देखो अपलोड का ऑप्शन कहीं पे भी नहीं शो हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, मैं शो करवाता हूँ। इधर देखो डेवलपर मोड ऑप्शन है, ठीक है, इसको इनेबल कर दो। जस्ट अभी जूम आउट करता हूँ, इधर देखो आ गया लोड पैक एक्सटेंशन एंड अपडेट, ठीक है। तो आपको लोड पे क्लिक करना पड़ेगा, अगर लोड पे क्लिक करोगे तो जो भी परमिशन मांगेगा दे देना। भाई मेरा परमिशन नहीं हो रहा है क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन है, तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डर काट करके फिर से शो कर रहा हूँ। अभी वर्क कर रहा है, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन रहता तो वो अलाउ नहीं कर सकता था। मैं अभी दिखा दूँ आप लोगों को तो क्या करना पड़ेगा पहले। तो इधर तो कुछ नहीं है, कहाँ मिलेगा मुझे, कहाँ मिलेगा, फाइल मैनेजर, इंटरनल स्टोरेज, उसके बाद शायद व्हाट्सएप बिजनेस मीडिया, व्हाट्सएप बिजनेस डॉक्यूमेंट। इधर देखो, इधर एक फ्लैश कार्ड और फ्लैश कार्ड, दो फ्लैश कार्ड है इधर, ठीक है। तो इसमें इनमें से मैं एक ही ले सकता हूँ, तो मैं ओल्ड वर्जन जो है इसको अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए। मैं अच्छा ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो फ्लैश कार्ड 1.2.1 इसको मैं अपलोड करता हूँ, तो इसको ओके करता हूँ सिंपली। अभी देखता हूँ, देखो आ गया, देखो फ्लैश कार्ड आ गया 1.2.1। तो अभी आप लोग क्या कर सकते हो, देखो अगर सबको पता है क्यूवी ब्राउज़र अगर आप डुअल स्पेस करते हो, ठीक है, डुअल स्पेस करते हो तो एक पे एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो तो दूसरे पे नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी डाउनलोड रहता है। देखो इधर मेरा फ्लैश कार्ड ऑलरेडी है, ये दूसरा अकाउंट है, फ्लैश कार्ड शो रहा है, हाँ फ्लैश कार्ड ऑलरेडी है। तो मैं इस पे तो मैं दूसरा जो क्यूवी ब्राउज़र का है तो उसमें मैं यूज़ नहीं कर सकता था वो वाला वर्जन, मतलब डाउनलोड करके नहीं, मतलब ऑफिशियल से डाउनलोड करके मैं यूज़ नहीं कर पाता क्योंकि वो वर्जन ऑलरेडी मेरे फ़ोन पे इंस्टॉल है। तो मैंने क्या किया, तो इस पे वो ओल्ड वर्जन जो है 1.2.1 उसको अपलोड कर दिया। तो अभी मेरे दो क्यूवी ब्राउज़र में फ्लैश कार्ड शो हो रहा है। कल जो सेल था 24 का, उसमें भी मैंने फ्लैश कार्ड यूज़ करके रेडमी 9 प्राइम मतलब कि बुक किया था। तो जो भी है, तो ऐसे आप लोगों को करना चाहिए, आप लोग कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाय।